जबलपुर जिले के बेलखेड़ा पुलिस द्वारा पूरे थाना क्षेत्र के ग्रामीण को अवगत कराते हुए पुलिस और जनता में तालमेल बना रहे, साथ ही ग्रामीण और पुलिस के बीच की दूरियां कम हो, जिसमें पुलिस ने माना कि इससे अपराध सुलझाने में भी दिक्कत नहीं होगी तथा अपराधों में भी कमी आएगी, जिसको लेकर आज बेलखेड़ा पुलिस ने जनता और पुलिस के बीच में जनसंवाद का कार्यक्रम रखा, जिसमें अनेकों ग्राम के सरपंच एवं गणमान्य नागरिक, समाज सेवी सहित कई लोग उपस्थित रहे। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बेलखेड़ा थाना प्रभारी श्रीमती सरोजिनी चौकसे ने जनता से अपील करते हुए कहा कि आप लोगों को यहाँ इसीलिए बुलाया है कि गांव में छोटे छोटे तथा बड़े से बड़े अपराध होते हैं, जिससे पुलिस को भी इन्वेस्टिगेशन में काफी दिक्कतें आती हैं। हम यह नहीं चाहते कि कोई अपराधी बच्चे या बेकसूर लोगों के ऊपर कानून की कार्यवाही हो, इसको लेकर यह आज खुला मंच है, जिसमें ग्रामीणों ने सबसे पहले पूरे थाना क्षेत्र में बिक रही अवैध शराब के बारे में बताया तथा कुछ लोगों ने बताया कि 5 वर्ष पूर्व मनकेड़ी गांव में पुलिस चौकी के लिए जगह निर्धारित की गई थी, जिसकी आज तक अदा पता नहीं है, एवं थाना क्षेत्र में जो ढाबे संचालित हो रहे हैं, पेट्रोल पंप एवं शराब दुकानों में जो कर्मचारी हैं, इनका भी वेरिफिकेशन होना चाहिए और समस्याएं जैसे थाना क्षेत्र में जो बीट अधिकारी का कार्य क्षेत्र होता है, उसमें वाकायदा किसी निश्चित जगह पर बीट प्रभारी का मोबाइल नंबर हो या अन्य आरक्षकों का नंबर हो, जिसमें किसी घटना को देखते हुए ग्रामीण तत्काल मोबाइल से बात कर सके। ऐसे अनेकों सुझाव जनता ने पुलिस को दिए, जिसमें थाना प्रभारी ने सभी की समस्याएं रिकॉर्ड की तथा जल्द से जल्द समस्याओं का अमल करने की बात कही। कार्यक्रम में उपस्थित SI सरनाम सिंह, ASI राम सिंह जाट सहित बेलखेड़ा सरपंच कमलेश भुर्रुकर, उप सरपंच दलजीत सिंह ठाकुर, मैली से सुल्तान सिंह ठाकुर, करहैया सरपंच मोनू सिंह लोधी, सुंदरा देही सरपंच, बेलखेड़ी से शारदा चौक से सहित अन्य ग्रामीण भी उपस्थित रहे। निर्देशन में आज 59 गांव का सरपंच, शिक्षक, गणमान्य नागरिक, आम नागरिक की जनसंवाद बैठक ली गई। इसमें अपराधों की रोकथाम, महिलाओं और बच्चों पर हो रहे अपराध और ट्रैफिक नियमों के संबंध में चर्चाएं की गई और उनसे सुझाव लिए गए। कोई समस्या आई है क्या ग्रामीणों की? हाँ, ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताई है, उन सभी का उनकी जो उन्होंने अपने अपने सुझाव दिए हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी और बहुत सारे सुझाव दिए हैं, जैसे बीट में सभी के मोबाइल नंबर उपलब्ध रहे, बोर्ड बनवाए जाए और हमने भी बताया कि सभी गांव में कैमरे हों। ग्रामीणों की ज़्यादातर समस्याएं कौन सी थी आज? एक तो